अतार साहब, सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरपतवन सिंह पन्नू के हत्या की साजिश का इल्जाम एक भारतीय जो मूल के नागरिक हैं उनके ऊपर लगाया गया है अमेरिका में। देखिए सर, ये तो जब ही मालूम होगा जब एक प्रॉपर केस को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा भारत की तरफ से। अभी तो अमेरिका कह रहा है ना, जैसे आप बता रहे हैं। ये जो अमेरिका का कनाडा और यूरोप जो है, ये पॉलिटिकल असाइलम के चक्कर में ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ पे रिफ्यूज क्यों प्रोवाइड करता है, मेरा ये ओपन चैलेंज है। लेकिन भारत को मुझे नहीं लगता कि कोई खास प्रॉब्लम आएगी इस केस को हैंडल करने में। चाइना तो किसी की सुनता ही नहीं, लेकिन इंडिया भी किसी के बाप की नहीं सुनता है। सो उन्होंने ये खालिस्तान मूवमेंट जो के हम समझते हैं, मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मुश्किलात में है भारत में, और ये सिर्फ रेटरिक नहीं है। यानी कोई भी माइनॉरिटीज अकलियतें वहाँ पे महफूज नहीं है चीमा साहब, सीधी सी बात है। उन्होंने मुजीबुर रहमान का कातिल है उसको उन्होंने वहां पे पनाह दे रखी है। आज तक बांग्लादेश अपना पूरा जोर लगा चुका है कि उसको हमारे हवाले किया जाए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यूज प्लस सेंट्रल चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों अमेरिका और इंडिया के बीच में खालिस्तानी आतंकी पन्नू को लेकर मसला उठ गया है। लेकिन यहाँ पर जो अमेरिकी की टैक्टिस है वह नोट करने वाली बात है कि अमेरिका ने सीधे सीधे भारत के ऊपर पन्नू को मरवाने के लिए इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन दूसरी टैक्टिस अपनाया है जिसमें अपनी खुफिया एजेंसी और अदालत के जरिए पन्नू का मसला उठा करके कह सकते हैं कि इंडिया पर दबाव बनाने की कोशिश की है। क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिकी लाख कोशिश के बावजूद भी भारत अमेरिका की बात नहीं मानी, अमेरिका को फॉलो करें, ठीक जैसे कि पाकिस्तान ने अमेरिका को फॉलो किया, उसके आगे गिर गया, लेट गया, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात भी, भारत जिस तेजी से एक इकोनॉमिकली तरक्की कर रहा है और ऊपर से अमेरिका की आंख बंद करके उसकी कही बात को नहीं मानता, सो वैसे अमेरिका अचानक पन्नू को जो मसला उठाना है उसमें कोई डाउट नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया को दबाव डालने के साथ साथ इंडिया की जो तरक्की है उसको भी कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश है। क्योंकि शायद अमेरिका नहीं चाहता कि इंडिया भी चाइना की तरक्की करे और अमेरिका पर चढ़ जाए। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं, देखते हैं वीडियो को। अतार साहब, सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरपतवन सिंह पन्नू के हत्या की साजिश का इल्जाम एक भारतीय जो मूल के नागरिक हैं उनके ऊपर लगाया गया है अमेरिका में। अभी कोई, हालांकि कोई ऐसे सबूत नहीं है, लेकिन ये एक साजिश की ओर इशारा करता है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप अमेरिका में हैं और भारत को भी आप अच्छे से समझते हैं? नंबर इसकी मैं जो इसको जिस नजर से देखता हूँ, इकोनॉमिक का है। इकोनॉमिक्स की वजह यह है, स्टैंडर्ड एंड पुअर की रिपोर्ट के मुताबिक कल ही रिपोर्ट आई है कि भारत की इकॉनमी इज वे अहेड ऑफ ग्रोथ में, वे अहेड ऑफ अमेरिका की इकॉनमी से, बल्कि दुनिया के किसी मुल्क से भी सबसे ज्यादा तरक्कियों पे भारत की इकॉनमी है। ये कल किसी ने बड़ा खूबसूरत तरीके से कहा कि व्हेन चाइना स्लोस इंडिया ग्रोस। तो जो इस वक्त कोविड के बाद सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हुआ, जो बड़े बड़े सीईओ कंपनीज के डिसीजन ले रहे हैं कि चाइना से बिजनेस को निकाल रहे हैं, वो सारा बिजनेस भारत में जा रहा है। अब उसकी तकलीफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन को भी है क्योंकि उनकी इकॉनमी स्लगिश है, तो वो इस तरह के इशू बनाकर भारत को थोड़ा सा मलाइन करना चाहते हैं, टू यूज एज ए हैंडीकैप। इससे कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसकी वजह यह है, जो काबल में अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सके वो दुनिया की, इंडिया या चाइना को किस तरह चैलेंज करने की सलाहियत रखते हैं। टोनी ब्लिंकन आज तीसरी दफा इसराइल पहुंच चुके हैं, हर मुल्क के अंदर मिडल ईस्ट में वो दो दो दफा गए हैं, किसी ने घास नहीं डाली। तो ये कंट्री किसी का क्या बिगाड़ने की सलाहियत रखता है? एब्सोल्युटली। वैसे भी इंडिया तो, चाइना तो किसी की सुनता ही नहीं, लेकिन इंडिया भी किसी के बाप की नहीं सुनता है। ऐसे में ये किस तरह से इस तरह का एक जोखिम उठा रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, प्लस इंडिया किसी पे ऐसा उतनी ज्यादा, जबकि यूएस के साथ एक अच्छी और पुरानी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसके बावजूद इस तरह की हरकतें क्यों हो रही है बार बार? नहीं, पहले कनाडा अंबर, उसमें मैं, मेरा एक पॉइंट ये भी होगा, ये जो अमेरिका का कनाडा और यूरोप जो है, ये पॉलिटिकल असाइलम के चक्कर में ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ पे रिफ्यूज क्यों प्रोवाइड करता है, मेरा ये ओपन चैलेंज है। उन्होंने मुजीबुर रहमान का कातिल है उसको उन्होंने वहां पे पनाह दे रखी है। आज तक बांग्लादेश अपना पूरा जोर लगा चुका है कि उसको हमारे हवाले किया जाए। ये जहन में रखिएगा। आज मुझसे जाती तौर पर पूछे, अमेरिका वॉज नेवर अ ट्रस्टेबल पार्टनर टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। इराक के साथ भी इनकी बड़ी दोस्ती थी, बल्कि ईरान के खिलाफ जंग में इन्होंने इराक को क्या नहीं दिया इन्होंने, फिर इन्होंने सदाम हुसैन के साथ क्या किया। दे आर प्रूवन नॉन ट्रस्टी एलाइज मैटर ऑफ फैक्ट इन द वर्ल्ड।
यही वजह है कि इनकी पॉलिसीज ही ऐसी हैं कि जहां भी अमेरिकन इंटरेस्ट आता है फौरन आंखें फेर लेते हैं। और तीसरी मेरा एक और क्वेश्चन है, आप खुद क्या क्या नहीं करते? आपने खुद यहां पे कानून बनाया था प्रीएम्प्टिव अटैक का जॉर्ज बुश पीरियड में, कि हम जहां दिल होगा जिस कंट्री के ऊपर मर्जी चढ़ जाएंगे जाके। देखें किस तरीके से लोगों की हुकूमतें टापल करते हैं, किस तरीके से इन्होंने इजिप्ट के अंदर इख्वानुल मुस्लिमीन की हुकूमत को टापल किया। तो खुद क्या नहीं करते फिर दूसरा को करे। अब मैं उसमें जस्टिफाई करूंगा, उसकी वजह क्या है कि जब हुसन आता है नजाकत आ जाती है। इस वक्त अगर आपकी फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है, जब somebody is trying to challenge you, you have to stand up against it. अगर किया है तो क्या इसमें क्या मजाक है, इसमें क्या क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में तो जो तंग करेगा उसको, अगर कानून उसको नहीं कर रहा तो अल्टीमेटली उसमें लोगों ने आगे तो बढ़ना है, लोगों ने जिंदगी तो गुजारनी है। मेरे ख्याल में तो कोई हर्ज नहीं है, दुनिया में ये होता है और कोई नई बात नहीं है जो कुछ भी हुआ। बट ये तो सीरियस चार्जेस हैं कि आप ओवरसीज अपने ही शहरियों को या डुअल सिटीजंस को टारगेट करके मार रहे हैं। ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, स्पेशली हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के बाद जो कनाडा में हुआ, जिसको हाईएस्ट लेवल पे उठाया गया। फिर एक और यूके में इन्होंने मर्डर किया अवतार सिंह खंडा का, बेसिकली खालिस्तान की जो तहरीक है अभी जड़ पकड़ रही है दोबारा इंडियन पंजाब में। और ये जो टारगेट थे, जो रिपोर्ट आपने आई थिंक अभी डिटेल में डिस्कस की, ये गुरपतवंत सिंह पन्नू है जो सिख जस्टिस जो है उस तंजीम के चेयरमैन भी हैं और ये नॉर्थ अमेरिका से ऑपरेट करते हैं। तो मेनली अभी इनको बड़ी तकलीफ थी कि डायस्पोरा में खालिस्तान रेफरेंडम बहुत जोर पकड़ रहा है। इंडिया के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं और मेरा ख्याल है बड़ी बुरी तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि सिखों को एक सफाई जिसे कहते हैं ना हटाना चाहते हैं, उस सीन से हटाना चाहते हैं, क्योंकि सिख कभी मोदी साहब को वोट नहीं देते। तो मोदी साहब को ये बड़ा बुरा लगता था कि सिख मुझे क्यों वोट नहीं देते, तो उन्होंने कहा इससे अच्छा है कि उनसे मेरे ताल्लुकात वैसे ही खराब हो गए जाएं। सो उन्होंने ये खालिस्तान मूवमेंट, जो कि हम समझते हैं, मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहबा मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, मुश्किलात में है भारत। कोई भी माइनॉरिटीज अकलियतें वहां पे महफूज नहीं है चीमा साहब, सीधी सी बात है।